गाइस, कैप्टन फिलिप 2013 में बनी एक बायोग्राफिकल एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसके डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास है। इस मूवी में कैप्टन का किरदार टॉम हैंक्स ने निभाया है। गाइस, ये मूवी 2009 की रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है जिसको 7.8 आईएमडीबी रेटिंग मिली है। गाइस, फिल्म की शुरुआत में हमें एक शिप का कैप्टन दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड फिलिप है, जो कि ज्वाइन करने वाला है एक कंटेनर शिप को जो कि सलाला नाम की जगह पर है। वहीं दूसरी जगह हमें सोमालिया कंट्री दिखाई जाती है जहां पायरेट यानी समुद्री लुटेरे दिखाए जाते हैं जो कि जहाज को लूटने का प्लान बना रहे होते हैं और द बोट में सवार होकर वो समुद्र में चले जाते हैं। दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि ज्वाइन करने के बाद जहाज का एक ऑफिसर कैप्टन को बताता है कि हमारा शिप सोमालिया को क्रॉस करके मुंबासा पहुंचेगा। गाइस, सोमालिया एक पायरेसी कंट्री है। कैप्टन कहता है कि हमें हमारे शिप की सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। शिप पोर्ट से बाहर आ जाता है और अपने नेक्स्ट पोर्ट मुंबासा के लिए चल देता है। अगली सुबह कैप्टन जहाज के ब्रिज पर आता है तो वो रडार में देखता है कि दो छोटी बोट्स उनकी जहाज की तरफ आ रही है। कैप्टन ब्रिज के आउटसाइड जाकर दूरबीन से उन्हें देखता है तो बोट पर उसे कुछ हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। कैप्टन फिलिप समझ जाते हैं कि ये पायरेट्स हैं। ये बोट जहाज के काफ़ी करीब पहुंच जाती है। कैप्टन जहाज की स्पीड को बढ़ा देते हैं और दूसरी ओर पायरेट जहाज के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, पर ज़्यादा स्पीड से अचानक पायरेट की बोट खराब हो जाती है और वो वहीं रुक जाती है। ये देखकर कैप्टन और जहाज के क्रू रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग कैप्टन के पास जहाज के ब्रिज से इमरजेंसी कॉल आता है। जब कैप्टन ब्रिज पर पहुंचते हैं तो उसे बताया जाता है कि पायरेट की एक बोट फिर से हमारे करीब आ गई है और इस बार वो पायरेट जहाज पर चढ़ जाते हैं। कैप्टन सारे क्रू को इंजन रूम में छुप जाने का ऑर्डर देता है और दिलासा देता है कि सब साथ में रहें, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद पायरेट ब्रिज पर आ जाते हैं और आकर गन तान देते हैं और कैप्टन से बहुत से पैसे की डिमांड करते हैं। उनमें से एक कहता है कि तुम्हारे साथियों को सामने लेकर के आओ वरना हम तुम सबको मार देंगे। कैप्टन कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। पायरेट कहता है कि मुझे जहाज के इंजन रूम की तलाशी लेनी है और जब पायरेट इंजन रूम की तलाशी कर रहा होता है तो वहाँ के क्रू सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं ताकि पायरेट उन्हें ढूंढ नहीं पाए और अंधेरे का फायदा उठाकर छुपे हुए क्रू उस पायरेट के सिर पर रॉड मारकर उसे पकड़ लेते हैं। कैप्टन दूसरे पायरेट से डील करता है कि हम तुम्हारे साथी को छोड़ देंगे अगर तुम लोग $30,000 लेकर के जहाज की लाइफ बोट लेकर चले जाओ। पर पायरेट कैप्टन को धोखे से उस बोट में लेकर भाग जाते हैं। जहाज का एक ऑफिसर समुद्री आर्मी को कॉल करता है जो कि कैप्टन को बचाने के लिए निकल चुके हैं। एक दिन बीत जाता है, पायरेट कैप्टन को अपने शहर ले जा रहे होते हैं। रात के वक्त यूएस आर्मी उस बोट के पास पहुंच जाती है और पायरेट को सरेंडर करने के लिए और कैप्टन फिलिप को छोड़ने के लिए कहती है, पर इस पर पायरेट एग्री नहीं होते और $10 मिलियन की डिमांड करते हैं और उन पायरेट में से एक पायरेट को समुद्री आर्मी डील करने के लिए अपनी बोट पर बुला लेते हैं और नेवी वाले कैप्टन को दिलासा देते हैं कि कैप्टन सब ठीक हो जाएगा, आप उसी सीट पर बैठे रहें जहां आप बैठे हो। कैप्टन उन सारी सिचुएशन से बहुत डरा हुआ होता है। वहाँ समुद्री आर्मी पायरेट की बोट पर लाइट का फॉक्स कर देते हैं और उनकी तरफ बंदूक का निशाना साध लेते हैं। असल में ये समुद्री आर्मी के कैप्टन को बचाने की चाल होती है। बोट में तीन पायरेट हैं जिनमें एक ड्राइवर है जो कि समुद्री आर्मी के निशाने पर होता है और वो लोग बाकी दो पायरेट पर निशाना साधने का इंतजार करते हैं। कैप्टन को इन सारी सिचुएशन को देख कर लगता है कि वो अब बच नहीं पाएगा और वो एक कागज पर अपनी बीवी के लिए एक आखिरी लाइन लिखता है कि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और उनके साथ हमेशा रहना चाहता है। वहाँ दूसरी तरफ समुद्री आर्मी तीनों पायरेट पर निशाने पर आने का इंतजार कर रही होती है। कैप्टन को लेटर लिखता देख एक पायरेट कैप्टन को बहुत मारता है। वे देख समुद्री आर्मी पायरेट की बोट के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। कैप्टन
उन सारी सिचुएशन से डर के रोने लग जाते हैं। अपनी बीवी को याद करके कहते हैं कि हनी मैं हार चुका हूँ और मेरी फैमिली से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, सॉरी मैं अब उनके साथ नहीं रह पाऊंगा। कैप्टन ये सब बोल रहा होता है कि तभी अचानक तीनों पायरेट्स समुद्री आर्मी के निशाने पर आ जाते हैं। उनका सीनियर ऑर्डर करता है और वो शूट कर देते हैं जिससे तीनों पायरेट मर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक पायरेट जो पैसे लेने गया था उसे भी समुद्री आर्मी वाले अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारे तीनों साथी मर चुके हैं। और बोट में पहुंचकर आर्मी कैप्टन को बोट से बाहर निकाल लेती है और कैप्टन फिलिप सेफली बाहर निकाल लिए जाते हैं और वहां से उनको हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी ही हॉलीवुड थ्रिलर मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।